राजस्थान के कोटा में छात्रों के बढ़ते खुदकुशी के मामलों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने सोशल मीडिया साइट मेटा से हाथ मिलाया है। मेटा ऐसे छात्रों की आईडी को ट्रैक करेगा जो डिप्रेशन में हैं और खुदकुशी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मेटा ऐसे छात्रों के बारे में जानकारी लोकल पुलिस को देगा और पुलिस उस छात्र से तुरंत संपर्क कर सकेगी। राजस्थान में अभी कोटा में ही चालू हुई है मेटा की साइट। इसमें जो भी अगर फेसबुक जैसे इंस्टा पे फेसबुक पे कोई भी सुसाइड संबंधित केस आता है तो वो मेटा की तरफ से अपन को फॉरवर्ड करेंगे और वो फॉरवर्ड करने के बाद उसको अपन लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो संबंधित राजस्थान में किसी भी उसका होगा तो उसके नंबर से अपन उसकी डिटेल निकालेंगे। जैसे राजस्थान में झुंझुनू है, सीकर है, जैसलमेर है, कहीं का भी हो इवेंट तो अपने पास उसमें पूरी डिटेल आ जाएगी, उसकी लोकेशन आ जाएगी। अपन संबंधित उसको अधिकारी को फॉरवर्ड कर देते हैं। फॉरवर्ड करने के बाद अधिकारी से अपडेट लेंगे कि सर आपने क्या किया इसमें, वो बता देते हैं कि हमें हमारी टीम पहुंच चुकी है अभी लोकेशन पे, वहां पे बात चल रही है और उनके पेरेंट्सों से पूछते हैं कि आपका बच्चा कहाँ है, क्या है, नहीं है। पुलिस का कमांड सेंटर 2400 घंटे काम करेगा और पूरे राजस्थान के मामलों को देखेगा। झुंझुनू में रहने वाला था एक, तो उसने सुसाइड संबंधित कोई इंस्टा पे अपना वो डाला था लिंक, मतलब वो वीडियो अपलोड करा था, तो उस संबंध में अपन को एक लिंक भेजा था वहाँ से मेटा कंपनी ने, तो लिंक अपन ने ओपन करा, उसमें मोबाइल नंबर थे, मोबाइल नंबर से उसकी पूरी डिटेल निकाली अपन ने। डिटेल निकालने के बाद संबंधित तो उसका जिला आया झुंझुनू, तो झुंझुनू में वहाँ पे जो भी IPS लगे हुए थे उनको अपन ने फॉरवर्ड करा, तो उसने उसके पिताजी से कहा कि पिताजी ऐसा कोई मामला नहीं है, बस मैंने रील्स बनाई थी और रील्स बना के अपलोड कर दी। तो उनको दोनों को संतुष्टि हुई, पिताजी से संतुष्टि, बेटे से संतुष्टि करके SHO से हमारी बात हुई, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मामला क्लियर हो गया और अब ऐसे कोई वो नियम है। कोटा एजुकेशन हब के रूप में मशहूर है, जहां पर हर साल लाखों छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम खासतौर से इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए आते हैं। यहां आने वाले छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम का दबाव नहीं झेल पाने की वजह से खुदकुशी कर लेते हैं। सिर्फ 2024 में ही अब तक 9 छात्र डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी कर चुके हैं। इस वजह से कई संस्थानों को बालकनियों में तार की जाली लगाने और कमरे की पंखों में लटकने से बचाने वाले उपकरण लगाने जैसे उपाय करने की सलाह दी गई है। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।